हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करेंगे 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट में अपन ने 2 क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल कर लिए थे, तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखो, बाई टेकिंग अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लॉट इन जो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनको प्लॉट करना है, ठीक है, ओ पी और आर को। और साथ में ये दे रखा है कि ओ पी क्यू आर एक रेक्टेंगल है, मतलब एक और पॉइंट है क्यू, और अपन को उसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो आराम से निकल जाएंगे। देखो, ये अपन कोऑर्डिनेटेड एक्सिस बना लेते हैं एक्सिस, और इस पे इन तीन पॉइंट को अपन क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो देखो, जो ये था 0.0, ये 0.0 पे कर दिया। उसके बाद P था 3.0, तो X पे 3 और Y पे 0, ये P पॉइंट हो गया। और एक था R, और R को अपन ने 0.4, मतलब X 0 और Y 4, ये कर दिया। अब एक और पॉइंट है Q, और साथ में कंडीशन क्या है, वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने का क्या मतलब है कि वो इस तरफ इतनी हाइट पे तो होगा ही होगा, क्योंकि सामने वाली साइड के बराबर होना चाहिए। और यहां पर तो मैं यहां पे भी लगा सकता हूं, यहां पे भी, कहीं पे भी लगा सकता हूं, लेकिन साथ में ये वाली साइड भी बराबर होनी चाहिए, अपोजिट साइड बराबर होती ना, तो इन दोनों को अपन मिला देंगे। इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। जहां पर ये क्रॉस करेंगे वो पॉइंट किसका हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो 1, 2, 3, तो एक्स पे तो कितना हो जाएगा 3, और y पे 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा 3.4, तो q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 3.4, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है प्लॉट द पॉइंट -1.0, 1.0, 1.1, 0.2, -1.1 एंड विच फिगर इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग देम सीरियली, मतलब सीक्वेंस में करने। सबसे पहले अपन लगाते हैं -1.0, ये लगाया x में -1 और y में 0, -1.0। उसके बाद 1.0, x में 1 और y में 0, ठीक है। उसके बाद 1.1, x में भी 1 और y में भी 1, ये x में 1, ये y में 1, जहां क्रॉस हो रहे थे वहां डॉट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.2, तो x में 0 और y में 2, डॉट लगा दिया। -1.1, x में -1 और y में 1, डॉट लगा दिया। इन सबको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पेंटागन, एकदम सिंपल सा है। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है अपने ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स वर्टिसेज आर फॉलोइंग। अपन को चार पॉइंट दे रखे हैं, चारों पॉइंट अपन ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद अपन को यह बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो, ये दोनों ड्रॉ किए हुए, वो तो आप कर लेंगे पॉइंट लगाकर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। और ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब टू साइड पैरेलल और टू नॉट, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ट्रेपेजियम। इसमें देखते हैं, इसमें देखो ऐसा दिख रहा है, ये लगभग लगभग स्क्वायर रोम्बस जैसा दिख रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे कि अपन ये क्या है, तो अपन देखो अगर स्क्वायर और रोम्बस है तो उनकी जो चारों साइड है वो क्या होगी, इक्वल। और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है तो चारों साइड इक्वल नहीं होगी। अब ये पता करने का एक तो तरीका, अपन सब इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के करें, एक तरीका और है, इसका डायगनल बनाए और इसका डायगनल बनाए। अगर डायगनल एकदम परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो रोम्बस या स्क्वायर होंगे। तो इसमें देखो कर रहे हैं एक दूसरे के, कैसे कर रहे हैं, 90 पे, तो डायगनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इसका मतलब चारों साइड इक्वल है, और चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होती है और स्क्वायर में भी इक्वल होती है। लेकिन साफ साफ क्लियरली विजिबल है कि ये डायगनल बड़ा है और ये डायगनल छोटा है। अगर डायगनल भी बराबर आते तो स्क्वायर होता, डायगनल बराबर नहीं है इसलिए ये रोम्बस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को हर 3 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें अपन को क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें -6.7 और -1.-5 के बीच में क्या निकालनी है अपन को, डिस्टेंस। इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और इसका कोऑर्डिनेट y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -1, यहां पे लिख दी -1, फिर ये माइनस। x1 की वैल्यू कितनी है, -6, ये -6, और पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक। ऐसे कैसे, y2 की वैल्यू देखो -5, फिर फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 7, स्क्वायर कर दिया। -1 ऐसे कैसे, -+ का 6 स्क्वायर, -5 -7 स्क्वायर, -1 और +6 कितना हो जाएगा, +5, उसका स्क्वायर करना है, और ये दोनों एड हो जाएंगे, और -12 इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25,
माइनस का 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ऐड कर देंगे कितना जाएगा 169, रूट निकालेंगे कितना जाएगा 13। कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे यूनिट लिखना 13 यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा कैसा ही है, पहली जो वैल्यू है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन हो जाएंगे, दूसरी जो हो जाएगी एक्स टू वाई टू, इनकी भी अपन वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर कितना जाएगा रूट 82। आप खुद प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से देखना इसको। देखो ये अपने क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, एक्स वन, जहां जहां एक्स वन है वहां क्या लिखेंगे ए टी वन का स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी वाई वन की, टू ए टी वन, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स टू की ए टी टू का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी वाई टू की। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे करते देखो, फॉर्मूला लगा दिया एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, लगाते हैं देखो फॉर्मूला, एक्स टू कितना है ए टी टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन कितना है ए टी वन का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर स्क्वायर ये फॉर्मूले वाला, प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी है टू ए टी टू माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है टू ए टी वन स्क्वायर कर दिया। इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर तो था ही था। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, टू ए कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचा टी टू माइनस टी वन और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो पहले ए के ऊपर लगाते थे ए का स्क्वायर, फिर इसके ऊपर टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर के भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कैसे इधर भी कर देते, टू का स्क्वायर करेंगे फोर, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, और इस पूरे का करेंगे तो इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा ये पीछे वाली चीज टी टू स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा फोर टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ध्यान से देखना, अपन क्या करते हैं इस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते, तो रूट हो जाएगा ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा ए, ये हो गया ए स्क्वायर का रूट, ये जो था ये देखो टी टू स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या लिख देते हैं टी टू माइनस टी वन, और एक बार क्या लिख देते हैं टी टू प्लस टी वन, ठीक है, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है जो अभी भी लगा रहने देते हैं, ये अभी भी इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा रहने देते, यहां पर तो कुछ होगा नहीं, फोर की जगह फोर टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर, ऐसे कैसे, अब ये स्क्वायर अंदर लाते हैं तो दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दिया, टी टू माइनस टी वन के ऊपर भी लगा दिया, टी टू प्लस टी वन के ऊपर भी लगा दिया, फोर ऐसे कैसे है? ये ऐसे कैसे, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर इधर भी है, टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर इधर भी है, तो टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा टी टू प्लस टी वन, क्या बचा टी टू प्लस टी वन, उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और यहां पर क्या बचेगा फोर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी अपन बाहर ले देते हैं, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बाहर ए टी टू माइनस टी वन, ठीक है, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा टी टू प्लस टी वन का स्क्वायर प्लस फोर। कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को तीन पॉइंट दे रखे हैं और अपन को कह रहा है कि इसको प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो अब आगे के सारे क्वेश्चन में अपन को डिस्टेंस तो निकालनी है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, डिस्टेंस अब आपको खुद निकालनी आनी चाहिए। दो पॉइंट दे रखे होंगे, पहले पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू एक्स वन वाई वन होगी, दूसरे की होगी एक्स टू वाई टू, फॉर्मूला पुट करेंगे क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। अब इनको डिस्टेंस को अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज करना है। जैसे यहां पर तीन पॉइंट दे रखे हैं तो अपन एक पॉइंट को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेते हैं और एक को सी मान लेते हैं, ठीक है। तीन डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, ए और बी के बीच की निकालेंगे तो ए बी हो जाएगी, बी और सी के बीच की निकालेंगे तो बी सी हो जाएगी, और सी और ए के बीच की निकालेंगे तो सी ए हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पहले तो अपन ये तीन डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो इन दोनों पॉइंट को लेंगे तो इसकी जो ये वैल्यू होगी वो एक्स वन वाई वन हो जाएगी, इसकी एक्स टू वाई टू हो जाएगी। अगर आप आगे पीछे कर भी देते हो तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले से सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया रूट 25, इसको 5 भी लिख सकते हैं, अपन ने इधर छोड़ दिया रूट 25। फिर बीसी, बीसी जब निकालेंगे बी और सी लेंगे, बी का जो पॉइंट होगा वो एक्स वन वाई वन,
और सी का जो होगा वो एक्स टू वाई टू, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, √50। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला खुद लगाकर खुद निकालेंगे। वैसे आपकी आपके लिए मैंने ये सॉल्व कर रखा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर सी और ए के बीच की भी डिस्टेंस निकाली और डिस्टेंस कितनी है, √25, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे एक लॉ लगता है, वो क्या लगता है कि ये जो हाइपोटेन्यूस होता है इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहां तीन साइड दिख रही है, एक है √25, एक √50 और एक √25, इन सब में से बड़ी कौन सी है, √50 है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, √25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, √25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 और 25 ऐड करूंगा तो कितना आता है 50, और √50 का स्क्वायर करूंगा तो अभी कितना आएगा 50। तो बराबर आ रहा है, इसका स्क्वायर बोले तो बीसी का स्क्वायर और ए बी प्लस सी ए का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर बराबर है, 50-50 आता है। और ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल होती है, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इसलिए ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से एकदम क्लियर। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपन को प्रूफ करना है, चार पॉइंट दे रखे, प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस वीडियो में किए थे, चार पॉइंट दे रखे होते हैं अपन को क्वाड्रिलेटरल के, और कुछ भी प्रूफ करना है तो अपन को टोटल छह डिस्टेंस निकालनी होती है, चार साइड और दो क्या निकालने होते हैं डायगोनल। तो अपन चार साइड निकालते हैं, पहले ए बी के बीच में निकालते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर 3-1 का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई का स्क्वायर 0-2 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो कितना आ गया √8 आ गया, ये अपने निकल गई ए बी। फिर ऐसे कैसे अपन बी सी निकालते हैं, वो भी आ रही है √8, सी डी निकालते हैं वो भी क्या आ रही है √8, डी ए निकालते हैं वो भी क्या आ रही है √8। तो चारों साइड इक्वल, अब चारों साइड जब इक्वल आती है तो वो क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है, तो अपन को डायगोनल भी निकालने, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं आते और स्क्वायर में डायगोनल क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो अपन निकालते हैं, डायगोनल निकालने के लिए एसी निकालेंगे, तो एसी ये एक्स वन और ये वाई वन, ये एक्स टू और वाई टू, एक्स टू माइनस एक्स वन बोले तो 1-1 और उसका स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन 2-2 का स्क्वायर, सॉल्व किया इसको तो 4 आया। ऐसे कैसे अपन ने सी डी भी निकाला, उसका भी आंसर कितना आ रहा है 4, तो डायगोनल भी इक्वल आ रहा है, चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, ऐसा सिर्फ किसके लिए होता है, स्क्वायर के लिए, तो ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को तीन पॉइंट दे रखे हैं और प्रूफ करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्या करते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं और तीनों कॉर्नर पे एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, या ए कोमा ए लिख दिया, या माइनस ए कोमा ए लिख दिया, या √-√3a और √3a लिख दिया, ठीक है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, और तीनों साइड इक्वल करने के लिए अपन को एकदम सिंपल सा करना है, ये साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है, तीनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले इन दो पॉइंट की निकाल लेते हैं, तो देखो ए और बी की निकाल रहे हैं, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स वन वाई वन और बी के जो है एक्स टू वाई टू, वैल्यू पुट करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस ए, एक्स वन की वैल्यू कितनी है ए, वाई टू की वैल्यू कितनी है माइनस ए, वाई वन की वैल्यू कितनी है माइनस ए, सॉरी ए माइनस तो फॉर्मूले का था, माइनस ए और माइनस ए -2a² का स्क्वायर, स्क्वायर किया तो 4a² कितना हो गया 8a², ए स्क्वायर का रूट निकल गया इसलिए ए लिख दिया और 8 का √8 लिख दिया, तो कितना आया √8, ठीक है। अब बाकी दो निकालते हैं, अगर ये दोनों भी √8 ही आती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो बी और सी है, इसको अच्छे से समझना, थोड़ा बड़ा है तो आप अच्छे से ट्राई करना। देखो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, दूसरे के एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब पुट करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन बोले तो -√3a -a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। y2 क्या है √3a -y1 कितना है -a, उसका होल स्क्वायर कर दिया। -√3a ऐसे कैसे, माइनस प्लस क्या हो गया, -- क्या हो गया, प्लस हो गया। √3a ऐसे कैसे, -- क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इन दोनों पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, ऐसे कैसे इस पे भी लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। तो देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, -a का स्क्वायर करेंगे प्लस का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर,
प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस टू इंटू रूट थ्री, टू रूट थ्री ए इंटू ए स्क्वायर, रूट थ्री ए का स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर और टू रूट थ्री ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे। देखो माइनस टू रूट थ्री ए स्क्वायर प्लस रूट थ्री ए स्क्वायर कट हो गए, पीछे क्या बचा थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर और फोर ए स्क्वायर कितना हो गया एट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट निकल जाएगा ए और रूट एट। ठीक है, लास्ट भी निकालते हैं, लास्ट देखो सी ए निकालना है, तो ये एक्स वन ये वाई वन, ये एक्स टू ये वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन बोले तो ए माइनस ये एक्स वन की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ए प्लस रूट थ्री ए का स्क्वायर और ए माइनस रूट थ्री ए का स्क्वायर, तो लगाते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, सही है ना। जहां जहां ए है वहां स्मॉल ए लिखना है, जहां जहां बी है वहां रूट थ्री ए लिखना है। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, और इसको किससे खोल देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस टू पहली टर्म दूसरी टर्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए का स्क्वायर क्या तो ए स्क्वायर, हाँ देखो ये प्लस टू ए रूट थ्री है और ये माइनस टू ए रूट थ्री है कट गया, ए का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर किया तो थ्री ए स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर सबको एड किया तो क्या आ गया एट ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे ए और रूट एट, तो तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है ए रूट एट आ रही है, तो तीनों साइड इक्वल है तो ये कैसा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन पॉइंट दे रखे हैं और प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर होते हैं। तो देखो कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, तो अच्छे से सुनना, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना है, पहले अपन ये समझते हैं कि कोलिनियर होता क्या है। तो कोलिनियर ऐसे तीन पॉइंट को कोलिनियर कहेंगे जिन्हें एक ही लाइन से क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक ही लाइन पे तीन पॉइंट प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे कोलिनियर। सपोज करो कि ये तीन पॉइंट है और इन्हें एक ही लाइन से ज्वाइन कर सकता हूं, तो ये क्या होंगे कोलिनियर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये तीन पॉइंट ऐसे है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस के क्या होगी बराबर होगी, होगी या नहीं होगी, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो इसका और इसका सम होगा। तो अगर अपन को तीन पॉइंट को लीनियर प्रूफ करने हैं तो अपन क्या करेंगे तीन डिस्टेंस निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बोले तो तीन डिस्टेंस निकल जाएगी। उन तीन डिस्टेंस में से कोई एक डिस्टेंस बड़ी होगी बाकी के दो के कंपेयर में, तो बाकी दो का जो सम है वो पहली डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। अब अपन को तो नहीं मालूम कि तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट कहां पर है, तो ये अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अपन को इतना पता है कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनके बीच की तीन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच मतलब कोई भी ये दो पॉइंट होंगे, इन दो पॉइंट के बीच की, इन दो पॉइंट के बीच की और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की, तो तीन डिस्टेंस निकालेंगे, जो बड़ी डिस्टेंस होगी बाकी दो डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए तो कोलिनियर, नहीं आए तो नॉन कोलिनियर। इन तीन पॉइंट में से अपन ने पहले पॉइंट को ए से लेबल कर दिया, दूसरे को बी से और तीसरे को सी से, तो तीन डिस्टेंस कौन कौन सी निकल जाएगी ए और बी के बीच की, बी और सी के बीच की, ए और सी के बीच की। अब मुझे नहीं पता इनका सीक्वेंस क्या है पर तीन डिस्टेंस तो निकाल सकता हूं, तो निकालता हूं, पहले निकालता हूं ए बी, तो ए बी निकालना होगा तो ये एक्स टू वाई टू और ये एक्स वन वाई वन पुट करके निकाला तो आंसर आया थ्री रूट फाइव। हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा रूट फोर्टी फाइव, कितना आएगा रूट फोर्टी फाइव। ऐसे केस में अगर अपन आगे रूट निकालना हो तो उस चीज के ऐसे फैक्टर करो जिसमें से एक चीज का रूट निकलता हो दूसरे का नहीं, तो 45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं और 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3 लिख दिया और 5 का पता नहीं तो रूट 5। फिर अपन निकालते बीसी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ रहा है 125, कितना आ रहा है 125। अब अगेन 125 को अपन ने लिख दिया 25 इंटू 5 करते हैं तो क्या आता है 125 ही आता है, 25 का रूट निकलता है कितना आएगा 5 और ये रूट 5। फिर अपन ने सी और ए के बीच में निकाल दिया आंसर आया 20, 20 का भी रूट होता नहीं है इसलिए 5 इंटू 4 लिख दिया, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और 5 का तो 2 रूट 5। अब देखो तीन वैल्यू है, बीसी की वैल्यू है 5 रूट 5, एबी की वैल्यू है 3 रूट 5 और सीए की वैल्यू है 2 रूट 5, इन तीनों में से बड़ी कौन सी है ये 5 रूट 5, और इन दोनों को सम करूं तो देखो 3 और 2 कितना हो रहा है 5, 5 रूट 5 हो जाएगा। इसका मतलब बीसी जो है वो एबी प्लस सीए के बराबर है, और यही तो मैं कह रहा था कि तीन डिस्टेंस में से एक डिस्टेंस बाकी की दो डिस्टेंस के क्या होगी सम के बराबर आएगी,
जो बड़ी वाली डिस्टेंस है उसके पॉइंट क्या है, बी और सी, तो ये लिख दिया बी और ये लिख दिया अपन ने सी। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, बीच में, तो देखो बी सी बोले तो बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है, तो ये कोलीनियर हो गया। तो आज के बाद अगर कभी भी किसी चीज को, तीन पॉइंट को कोलीनियर प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे, तीन डिस्टेंस निकालेंगे, उनमें से जो बड़ी डिस्टेंस आएगी वो बाकी की दो डिस्टेंस के सम के बराबर हो तो कोलीनियर, नहीं है तो नॉन कोलीनियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल में किया था, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है और वो इक्विडिस्टेंट पे इन दोनों पॉइंट के, और अपन को एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो ध्यान से सुनना, ये मैं पहले बता चुका हूं जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये अपन ने कोऑर्डिनेटेड एक्सिस पढ़ी थी, मैंने बोला था अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके एक्स के कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकते हैं, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, माइनस वन माइनस टू हो सकता है, लेकिन वाई जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे होने का मतलब इससे ऊपर या नीचे नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे कभी भी आए तो उसके कोऑर्डिनेट क्या मानने हैं अपन को, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स की जगह एक्स लिख देंगे, एक्स को मैं जीरो बोले तो एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, y तो जीरो होगा पक्का। और अगर पूछे कि y y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, y का कुछ भी हो सकता है, ये मैंने पहले लिखा है तो आप फिर बता देता हूं, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x कॉमा जीरो, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होंगे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा वाई। तो अपन ने ये एक पॉइंट ये ले लिया a, जिसके कोऑर्डिनेट अपन ने x कॉमा जीरो मान लिया, और दो पॉइंट और दे रखे हैं और क्वेश्चन में दे रखा है ये इक्विडिस्टेंस पे, बोले तो ए से बी की जितनी डिस्टेंस है ए से सी की भी उतनी की उतनी डिस्टेंस होगी, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू जीरो माइनस वाई वन का स्क्वायर, और इस तरफ भी इन दोनों में इसका ही इससे डिस्टेंस निकालनी है, इसकी ही इससे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, इन दोनों में निकाले तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अपन पहले x वाले कोऑर्डिनेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x आगे रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अपन देखो रूट से रूट कट हो जाएंगे, ठीक है, ये x की जगह x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस जीरो थट जाएगा फाइव का स्क्वायर, इधर x माइनस टू है, ये माइनस माइनस प्लस थ्री का स्क्वायर, रूट से रूट कट हो गया था, ठीक है, इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 9, देखो x का स्क्वायर क्या, तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या, तो 4, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 4x, 25 की जगह 25, x का स्क्वायर क्या, तो x स्क्वायर, 2 का क्या, तो 4 माइनस 4x और 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर बचा 4x प्लस 25, 25, और इधर बचा माइनस 4x प्लस 9, x x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, नंबर को एक तरफ ले लेते हैं, तो 8x इक्वल टू माइनस 16, तो x इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, क्या आ जाएगा माइनस 2। बच्चे जल्दबाजी में यही छोड़ देते हैं कि हो गया, नहीं, मेरे को क्वेश्चन में ये पूछा था कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो पॉइंट अपन ने कोऑर्डिनेट क्या माने थे, एक्स कॉमा जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे माइनस टू कॉमा जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ठीक ऐसा कैसा एक क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन भी, उसमें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की जगह पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दे रखा और दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस बोला हुआ है, तो अपन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे जीरो कॉमा वाई, और ऐसे कैसे दो इक्वल रखेंगे डिस्टेंस, उससे वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी यहां पुट कर देंगे, आगे सॉल्व किया हुआ है आप वहां से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं अपन, इफ अ पॉइंट 3 कॉमा के एंड के कॉमा 5 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0 कॉमा 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जो एक पॉइंट है 0 कॉमा 2 उसको अपन P मान लेते हैं, और दो पॉइंट और दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 3 कॉमा के जिसको अपन ने A मान लिया, और k कॉमा 5 जिसको अपन ने क्या मान लिया b, और ये कह रहा है कि ये 0.2 जो है इन दोनों से क्या है इक्विडिस्टेंस पे, बोले तो इक्वल डिस्टेंस पे, तो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है k की, इसका मतलब p से a जितना दूर है, बोले तो p a की जो वैल्यू है वो pb के वैल्यू के क्या है बराबर, तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं एकदम सिंपल सा, तो p a निकालते हैं, p a निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल
ये किसके इक्वल होगा, पीबी की वैल्यू के, पीबी में ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर से ये रूट से रूट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे, थ्री माइनस जीरो क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, और k माइनस टू की जगह k माइनस टू का स्क्वायर, ऐसे कैसे, यहां पर क्या हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू कितना होगा थ्री, तो थ्री का स्क्वायर, सबके स्क्वायर करते हैं, थ्री का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा नाइन, k माइनस टू को खोलते हैं तो k का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर बोले तो फोर माइनस टू ए इंटू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर देखो k का स्क्वायर प्लस नाइन, ये कैसे हुआ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस टू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है, नाइन की जगह नाइन, के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर, फोर की जगह फोर, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का फोर के इक्वल टू के स्क्वायर प्लस नाइन, के स्क्वायर नाइन से के स्क्वायर नाइन कट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा फोर माइनस फोर के, इधर कुछ भी नहीं, तो फोर इक्वल टू फोर के, मेरे को के निकालना है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर अपॉन फोर, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, कितना आ जाएगा आंसर के का वन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बेसिकली अपन को क्या करना है, दो पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और प्रूफ करना है कि ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर ओ क्या है, ओ बेसिकली ओरिजन है, क्या है ओरिजन, और ओरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जीरो कॉमा जीरो, ठीक है, अपन को क्या प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके लिए पहले अपन को ओपी और ओक्यू क्या करने पड़ेंगे फाइंड करने पड़ेंगे, तो ओपी फाइंड करते हैं, ओ अपन को क्वेश्चन में गिवन था कि ओरिजिन, तो ओ के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो मान ली, और पी के कोऑर्डिनेट पहले से दे रखे हैं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा लिख दिए, अपन निकालते हैं ओपी, कैसे निकालेंगे, एक्स टू, एक्स टू बोले तो ए कॉस थीटा माइनस एक्स वन बोले तो जीरो का स्क्वायर प्लस वाई टू बोले तो बी साइन थीटा माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई वन की वैल्यू कितनी है जीरो, ठीक है, ए कॉस थीटा माइनस जीरो, ए कॉस थीटा होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस, बी साइन थीटा माइनस जीरो, बी साइन थीटा होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब निकालते हैं ओक्यू भी चाहिएगा तो ओक्यू निकालते हैं, ओक्यू में ओ क्या है जीरो कॉमा जीरो और क्यू के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो अपन निकालते हैं, पहले निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोले तो माइनस ए साइन थीटा माइनस जीरो का स्क्वायर, माइनस ए साइन थीटा माइनस जीरो क्या होगा माइनस ए साइन थीटा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस की जगह प्लस, y2 माइनस y1 का स्क्वायर b cos थीटा माइनस जीरो, b cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब अपन क्या करेंगे op ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहां पे रखी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और अपन ये आंसर निकाल देंगे, तो op की वैल्यू कितनी है देखो, रूट ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या करना है अपन को स्क्वायर, प्लस oq की वैल्यू क्या है रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहां पे क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या बचेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में ए स्क्वायर क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, वन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, और वन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, यही अपन को क्या करना था प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड से अपनी क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर अच्छा है, आराम से समझना हो जाएगा, ठीक है, देखो सब क्या दे रखा है कि जीरो कॉमा जीरो और थ्री रूट
थ्री कॉमा रूट थ्री आर टू वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बना दिया अपन ने. इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है इक्वल. दो वर्टिसेज दे रखे हैं जीरो कॉमा जीरो और थ्री कॉमा रूट थ्री, और कह रहा है तीसरा वर्टिसेज फाइंड करो. उसके कोऑर्डिनेट अपन एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, और एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी पुट कर देंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना. स्टार्ट कैसे करें अपन, अपन को सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो वही लगाएंगे. इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, पहले ए और बी के बीच में निकाल लेते हैं. तो ए की वैल्यू है जीरो कॉमा जीरो, एक्स वन वाई वन हो जाएगा. बी की है थ्री कॉमा रूट थ्री, एक्स टू वाई टू हो जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर. थ्री माइनस जीरो थ्री हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन. रूट थ्री माइनस जीरो रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे थ्री. नाइन प्लस थ्री कितना आ गया, ट्वेल्व. कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हो गया. अपने किसकी वैल्यू हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई. अब आगे देखते हैं, एसी निकालते हैं. एसी बोले तो ये, इसमें ए जीरो कॉमा जीरो था, ये एक्स वन वाई वन, और सी क्या था, एक्स कॉमा वाई था, जो अपन ने एज्यूम किया है, तो वो एक्स टू और वाई टू हो गया. तो एक्स टू माइनस एक्स वन बोले तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन बोले तो वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया. ये अपने आ गई एसी की वैल्यू. ऐसे कैसे अपन क्या निकाल लेते हैं, बीसी निकाल लेते हैं. बीसी कैसे निकालेंगे, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं थ्री कॉमा रूट थ्री, और सी के दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई, जो अपन ने एज्यूम किया ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू. तो क्या करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन बोले तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन बोले तो वाई माइनस रूट थ्री का स्क्वायर. ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी. इधर भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी. एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, थ्री का करेंगे तो नाइन. इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस सिक्स एक्स. कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई स्क्वायर की जगह माइनस सॉरी वाई स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉमा रूट थ्री वाई. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसमें देखो, नाइन और थ्री एड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ट्वेल्व. बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, इसको इधर ही छोड़ देंगे. इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक क्या क्या वापस समझते हैं. इन तीनों पॉइंट में दो दे रखे थे, एक निकालना था, तो एक के कोऑर्डिनेट अपन एक्स कॉमा वाई मान ली. तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, इसके बीच की डिस्टेंस निकाली रूट ट्वेल्व आई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली तो ये आया. यहां तक आप अपना आप खुद भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं. आगे बढ़ते देखो, अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल है, किसी को भी किसी के भी इक्वल पुट कर सकता हूं. तो इक्वेशन वन और टू को इक्वल रखता हूं, तो वन थी ए बी और एसी, ए बी और एसी को इक्वल रख दिया, रूट से रूट कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, फोर. ये एक इक्वेशन हो गई. इसको और इसको भी इक्वेशन रख सकता हूं, तो टू और थ्री को भी इक्वल रख दिया, तो टू थी अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और थ्री थी ये अपना पूरी बड़ी, रूट से रूट कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया. तो यहां पर तो क्या बचा, जीरो, यहां बचा माइनस सिक्स एक्स माइनस टू रूट थ्री वाई और ट्वेल्व. ये दोनों माइनस के उस तरफ लेके चले गए, सिक्स एक्स प्लस टू रूट थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व. कोई प्रॉब्लम नहीं. पीछे से अपन ने क्या किया, पीछे से एक बार वन और टू को इक्वल रखा, तो अपने आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व, इसको अपन ने फोर दे दिया. और एक बार टू और थ्री को इक्वल रखा, तो ये आ गया सिक्स एक्स प्लस टू रूट थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व. इसको अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखो, इसमें अपने सिक्स एक्स प्लस टू रूट थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है. देखो, टू इधर भी कॉमन आ रहा है ना, तो टू कॉमन ले लेते हैं. सिक्स एक्स में से टू कॉमन लिया तो थ्री एक्स, और टू रूट थ्री में से टू कॉमन लिया तो रूट थ्री वाई, ठीक है, इक्वल टू ट्वेल्व. टू से ये ट्वेल्व कट गया सिक्स टाइम. अब देखो, और भी कॉमन ले सकते हैं, रूट थ्री भी कॉमन ले सकते हैं, पर वो कॉमन लेने के लिए अपन थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं. देखो, थ्री को लिख दिया रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये रूट थ्री ऐसे कैसे, और सिक्स को क्या लिख सकते हैं, सिक्स को अपन लिख सकते हैं टू इंटू थ्री लिख सकते हैं, और थ्री की जगह रूट थ्री इंटू रूट थ्री. तो ये लिख दिया रूट टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री. अब इन तीनों में देखो, रूट थ्री है तो रूट थ्री कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया रूट थ्री, इधर बचा रूट थ्री एक्स, इधर बचा वाई, और इधर अभी ऐसे कैसे, रूट थ्री से रूट थ्री कट हो जाएगा, इधर बचेगा रूट थ्री एक्स प्लस वाई, और इधर बच गया टू रूट थ्री. कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे बढ़ते देखो, अब यहां से अपन वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, या x की भी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं, y की निकाल लेते हैं. y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, टू रूट थ्री माइनस, ये इधर गया तो माइनस रूट थ्री एक्स. ये हो गया इक्वेशन फाइव. अब ये जो y की वैल्यू है, अपन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो अपन इसको चूज करते हैं, एकदम छोटी सी है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व.
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और वाई की जगह ये जो वैल्यू थी वो रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इस पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो देखो ए का स्क्वायर बोले तो टू रूट थ्री का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बोले तो रूट थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां बीच में माइनस था, टू ए और बी और इक्वल टू ट्वेल्व था ये। टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे थ्री, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, टू इंटू टू करेंगे तो फोर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो थ्री, एक्स की जगह एक्स, ट्वेल्व की जगह ट्वेल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप आप खुद करते रहना। ठीक है, पोज करके रोक रोक के आप बार 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 इसको खुद करना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, फोर इंटू थ्री किया तो ट्वेल्व आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर की जगह थ्री एक्स स्क्वायर, फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, ट्वेल्व से ट्वेल्व कट हो गया, पीछे देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कितना हो गया फोर एक्स स्क्वायर और माइनस का ट्वेल्व एक्स, ऐसे कैसे जीरो, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, फोर एक्स कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा एक्स, इधर क्या बचा थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो दो चीजों का मल्टीप्लाई जीरो होने का क्या मतलब, या तो फोर एक्स इक्वल टू जीरो है या एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है। अगर फोर एक्स इक्वल टू जीरो मानू तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जीरो, और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो मानू तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी थ्री। अब ये एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन फाइव में पुट कर देंगे एक्स की जगह तो किसकी आ जाएगी वाई की जगह, तो इक्वेशन फाइव लिखी एक बार उसमें एक्स की अपने जीरो वैल्यू पुट की, जीरो किया तो ये पूरा हट जाएगा तो पीछे वाई कितना आ गया टू रूट थ्री, इसका मतलब जीरो कॉमा टू रूट थ्री उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। दूसरी बार अपन को क्या करना है, इसी इक्वेशन में एक्स की जगह कितना पुट कर देना है थ्री पुट कर देना है, तो थ्री पुट करते हैं, देखो टू रूट थ्री की जगह टू रूट थ्री, माइनस की जगह माइनस, रूट थ्री की जगह रूट थ्री, एक्स की जगह तीन पुट कर देंगे थ्री रूट थ्री। अब देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, ये टू रूट थ्री है ये थ्री रूट थ्री है, माइनस के थ्री में से प्लस का टू माइनस होगा तो कितना रहेगा माइनस का वन, क्या रहेगा माइनस का वन, बोले तो माइनस का वन रूट थ्री, बोले तो माइनस रूट थ्री। तो अगर एक्स की वैल्यू थ्री पुट करता हूं तो वाई कितना आता है माइनस रूट थ्री, तो या तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा टू रूट थ्री होंगे या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थ्री कॉमा माइनस रूट थ्री होंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर स्टेप बता देता हूं, सबसे पहले दो पॉइंट दे रखे थे, एक एक कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिए, पहले अपन ने तीनों की डिस्टेंस निकाल ली, फिर अपन ने इक्वेशन वन और टू को इक्वल करके ये निकाल लिया और टू और थ्री को इक्वल पुट करके ये निकाल लिया, वाई की वैल्यू निकाल ली, ये वाई की वैल्यू यहां पुट कर दी तो एक्स की आ गई, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वापस यहां पुट कर देंगे तो वाई की आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अच्छे से फोकस करके मेहनत करके इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।